नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी टीवी के स्क्रीन पे आपको इस तरह के पैचेस दिखाई दे, मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रीन कैसा दिख रहा है और यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा है और ऊपर साइड में देखो कैसा दिख रहा है, तो सब जगह पे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पर डालता हूँ, पिक्चर मोड पर ना डाल के नॉर्मल, तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर रेड आ रहा है, यहाँ पर ग्रीन आ रहा है और बाकी सब जगह ब्लू आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू आ रहा है। तो ये तीन कलर है, तो ये आता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम इसका जो प्रॉब्लम होता है ये होता है पीटीसी से। पीटीसी अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा चला जाता है, लेकिन इस टीवी में जो है कि पीटीसी चेंज करने के बाद भी नहीं गया है। मैंने इस टीवी को बनाया और पीटीसी भी चेंज किया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा और तरीका है। अगर आप पहली बात तो पीटीसी चेंज करो, अगर पीटीसी चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होता तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो पैचेस है वो बहुत दिन से रहेगा, काफ़ी दिन से ही रहेगा और कस्टमर ने इसे इग्नोर किया रहेगा, मतलब उसको सही नहीं कराया रहेगा, क्योंकि टीवी तो चालू है, सिर्फ साइड साइड पैचेस आ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो कलर है यहाँ पर परमानेंटली जमा हो जाते हैं, जो पैचेस है वो परमानेंट यहाँ पर जमा हो जाता है, पीटीसी चेंज करने के बाद भी नहीं जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि अब तो सबसे पहले टीवी खोल के आपको पीटीसी को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद भी अगर कलर नहीं गया, ये सब जो पैचेस है अगर वो नहीं जाते हैं, तो आपको एक मार्केट में मैग्नेट गन मिलता है जो कि आपको इसके सामने ऐसे घुमाने हैं तो ये कलर जो आते हैं वो चले जाते हैं, तो दोबारा ये कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पीटीसी ना चेंज करके वो मैग्नेट गन से ऐसा घुमा के इस कलर को रिमूव करते हो तो एक दो दिन बाद या दो चार दिन बाद वापस से रिटर्न आएगा कलर। तो सबसे पहला काम आपका है कि पीटीसी चेंज करो, उसके बाद अगर नहीं जाता है कलर तो आपको मैग्नेट गन से इसको रिमूव करना है, मैग्नेट गन इसके स्क्रीन के सामने ऐसा घुमाना है और इसको रिमूव करना है। अगर आपके पास मैग्नेट गन नहीं है तो क्या करोगे, तो आपको एक बड़ा सा मैग्नेट लेना पड़ेगा। बड़ा सा मैग्नेट लेके, जैसे कि हमारे स्पीकर में लगे रहते हैं बड़े से मैग्नेट, तो वो मैग्नेट को लेके आपको स्क्रीन के सामने इस तरह से घुमाने। तो जैसे कि मेरे पास अभी तो मैग्नेट गन नहीं है लेकिन मैग्नेट है, तो उससे मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक मैग्नेट है यहाँ पर, आप देख सकते हो, जैसे मैं स्क्रीन के पास ले जाता हूँ तो देखो पूरे ही पूरे स्क्रीन अलग अलग दिखाई देती है। तो सबसे पहला मैं नॉर्मल मोड पे करता हूँ इसको, ताकि हमको प्रॉपर तरीके से मालूम पड़े। इस तरह से स्क्रीन है। अभी जैसे मैं मैग्नेट के सामने ले जाता हूँ, आप देख सकते हो कि पूरा कलर चेंज होते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपके पास मैग्नेट गन नहीं, मैग्नेट है तो हो कलर इससे भी निकल जाएंगे वो, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। और मैग्नेट गन से जाता है फटाक से निकल जाता है, तो हम निकालते हैं इसको धीरे धीरे करके। आप देख सकते हो धीरे धीरे निकल रहा है कलर। आप देख सकते हो कलर एकदम से रिमूव हो गया, जो भी कलर यहाँ पर था पैचेस था वो पूरी तरह से चला गया है। अभी मैं पिक्चर पे करता हूँ मूवीज के ऊपर, देखो किस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर। अभी देख सकते हो आपको जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर आ रहा है, कहीं भी साइड में कहीं भी पैचेस नहीं दिख रहा है। आपको अगर कंफर्म करना है पैचेस है कि नहीं है, आप नॉर्मल मोड पे ले जाओ, जिस पे चैनल ना हो या जिस पे आप ए बी कनेक्शन ना हो, ए बी वन, फिर अगर ए बी डाले हैं आपने वायर लगाया है तो ए बी टू पे करके देख लीजिए या फिर चैनल पे करके देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो पैचेस है वो नहीं है। तो इस तरह से जो है कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस ध्यान आपको यही रखना है कि सबसे पहले आपको पी टी सी को चेंज करना है। पी टी सी को चेंज करने के बाद अगर कलर नहीं जाते हैं, जो पैचेस आ रहे हैं वो पैचेस नहीं जाते हैं,
तो आपको सीधा ही मैग्नेट गन से इसको रिमूव करना है। और बिना पीटीसी चेंज के आप इसको मैग्नेट गन से रिमूव करने की कोशिश करोगे तो बार बार रिटर्न आएगा, तो इससे आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए सबसे पहले जो है कि पीटीसी को चेंज करो, उसके बाद जो है कि मैग्नेट गन अगर कलर नहीं जाता है तो मैग्नेट गन घुमाओ। मोस्ट ऑफ टाइम तो चला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कस्टमर काफ़ी दिन से इसको यूज करते रहते हैं तो फिर नहीं जाता। आप पीटीसी डालने के बाद भी आपको नहीं जाएगा, तो आपको ज़बरदस्ती इसको मैग्नेट गन घुमा के कलर को रिमूव करना होता है। अगर उस दोनों से भी नहीं जाता है, अगर समझ लो कि आपने मैग्नेट गन भी घुमा दिया और पीटीसी भी चेंज कर दिया फिर भी जो पैचेस है वो आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको योक को एडजस्ट करना है। जो पीछे योक लगा रहता है उसको आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि योक ना मैच करे तो भी पैचेस आते हैं। और ये जो नंबरिंग कभी कभी अप डाउन होता है, तो ये नंबरिंग भी उसकी वजह से होते हैं। जो तीन कलर एक साथ एक नंबर को जो है इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर तीन कलर मिलके एक नंबर को इंडिकेट करते हैं। अगर वो तीन कलर एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तो भी आपको नंबरिंग जो है ऊपर नीचे होगा, तो नंबरिंग को मैच ना हो तो भी योक का फॉल्ट होता है, और वो जो छोटा सा रिंग होता है उसका फॉल्ट होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको जो है पीटीसी चेंज किया, मैग्नेट गन भी घुमाया फिर भी नहीं सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर योक को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आपको योक को एडजस्ट करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसके इस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत छोटा सा वीडियो है आप लोग के लिए। और दूसरी बात, हम लोग अगर योक को भी देख लेते हैं, योक किस तरह से लगा है इसके अंदर, और आप देख सकते हो कि ये योक है। अगर आपका जो पैचेस है, अगर वो समझ लो पीटीसी चेंज करने से और जो है कि मैग्नेट घुमाने से नहीं जाता है, तो आपको इस योक को अप डाउन करके आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करना है। और कभी कभी क्या होता है कि आप, मैंने बताया कि नंबरिंग जो होता है कैरेक्टर जो इंडिकेट करता है वो कलर कलर में आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यही काम करना है कि योक को जो है एडजस्ट करना है। योक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाता है तो कभी कभी रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर योक कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाता पूरा कैरेक्टर या जो भी पैचेस है, तो आपको एक्स्ट्रा रिंग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जो कि रिंग यहाँ पर देख सकते हो आप लगा हुआ है। तो ये रिंग को घुमा के भी आप जो है कैरेक्टर को एक दूसरे यहाँ पर तीन RGB के तीन एक्सिस वाले हैं, तो इसको भी आप एडजस्ट करके जो है कि कलर को जो सॉरी कलर नहीं आप जो कैरेक्टर आते हैं नंबर के उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जो नंबर अप डाउन हो जाते हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये दोनों प्रॉब्लम, आप दो प्रॉब्लम इसमें होते हैं। एक तो पहली बात तो कलर नहीं मैच करता जो पैचेस आते हैं योग के वजह से, और दूसरा कि जो कैरेक्टर है अप डाउन होता है, तो ये दोनों फॉल्ट यहाँ से आते हैं। चलो आज हम देख लेते हैं कि इसमें जो TCL की सर्किट लगी हुई है उसका सर्विस मोड हम कैसे खोलते हैं। ये सर्विस मोड खोलने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो आज हम देख लेते हैं सर्विस मोड भी कैसे खोलते हैं। इस तरह का आपको रिमोट लेने की ज़रूरत है। इस तरह के रिमोट में आपको यहाँ पर एक छोटा सा होल रहता है, इसमें जो है कि आप कभी इस तरह से नुकीले कोई भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो इसके अंदर एक बटन होता है। ये यहाँ पर एक बटन है, तो हाइड बटन, मतलब कि आप इसको देख नहीं सकते लेकिन ये बटन है। तो इसके अंदर जब भी आप ऐसा कुछ तो डाल के प्रेस करते हो तो आपका सर्विस मोड ओपन हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। मैं इसको इसके अंदर डाल के प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो ऊपर फैक्टोरी लिख के आ गया। उसके बाद एक बार और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर RGB के सारे कलर को सेट करने का ऑप्शन आता है, जो रेड ग्रीन, यहाँ पर रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड, ब्लू कैथोड, ग्रीन ड्राइव, ब्लू ड्राइव, ये सारे ही हमारे कलर को एडजस्ट करने के काम आते हैं। कलर को कम ज़्यादा, रेड को कितना रखना है, ब्लू को कितना रखना है, ग्रीन को कितना रखना है, तो ये सारे यहाँ से होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट एक बार और बटन को इसको प्रेस करेंगे तो हमारा वर्टिकल का इस तरह से आपको स्क्रीन एडजस्ट करने का ऑप्शन खुलता है। तो पहला जो ऑप्शन था वो कलर का, और दूसरा जो ऑप्शन आया वो स्क्रीन का, स्क्रीन एडजस्ट करने का, अप डाउन करना है आपको स्क्रीन, तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलो मैं स्क्रीन थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, इसके देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ से कट आ रहा है, ऊपर से देख सकते हो हल्का सा आपको कट दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ साइज़ पर जाके, सेकेंड वाले पर ऑप्शन पर, आप देख सकते हो कि स्क्रीन हल्का सा
बढ़ गया ये पूरा। आप देख सकते हो स्क्रीन पूरा एकदम से बढ़ गया। अभी ये प्रॉपर तरीका है यहाँ पर, तो प्रॉपर स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको बाहर आ जाता हूँ, इससे एक बार और प्रेस करके, यहाँ से इसी बटन को एक बार प्रेस करके एकदम बाहर आ जाने का। इस तरह से आप पूरी सर्विस मोड को एडजस्ट कर सकते हो। पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।